तो आप क्यों दीदी की पिटाई कर रहे हो? क्या हो गया आपको? क्या हो गया? आप कितना पर चटनी बना देते हो दीदी की? अभी हम लोग कर रहे हैं नेल आर्ट और चीकू को का बर्थडे गिफ्ट में नेल नेल आर्ट का आर्ट मतलब सॉरी नेल आर्ट या पता नहीं उसको कैसे तो मैनिक्योर पेडिक्योर किट मिली थी। सो अभी बस बच्चे तो वैसे भी मम्मीज के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। सो मैं भी एक्सपेरिमेंट्स करवा रही हूँ उससे। बट ऑल दो इट्स लुकिंग नाइस। सो चलो हम कंटिन्यू करते हैं अपना नेल आर्ट। और दिखाओ और क्या है आपके पास? और क्या है? और क्या है? और वो वाले भी दिखाओ। ये बटरफ्लाइज दिखाओ। बटरफ्लाइज। वाह। दो नेल दो। दो नेम दो। अच्छा कोई बात नहीं। These stickers are very pretty. गाइस आजकल बच्चों के लिए भी क्या क्या चीजें कल बच्चों के लिए भी क्या क्या चीजें मार्केट में अवेलेबल हो चुकी हैं। होता ही नहीं था। हमारे टाइम पे ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं होती। Nowadays, काफी सारी चीजें अवेलेबल होने लगी है। मतलब आपको मार्केट में वैरायटी ऑफ मतलब कहते हैं ना एम्पल ऑफ वैरायटीज मिल गई। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी मैं दोबारा एक्चुअली बात लेकर आई हूँ बिकॉज हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है एंड लंच मैंने प्रिपेयर कर लिया है। बस थोड़ा बहुत जो है बाकी चीज़ें बची हैं वो करनी है। सो इतनी गर्मी लगने लगी थी तो चीकू भी बात ले रही थी तो मैंने सोचा मैं भी क्यों ना बात कर लूँ यार। सो अभी मैं जाऊँगी किचन में। जो मैंने छोले के लिए तड़का वगैरह रेडी किया है बिकॉज आज मैं बना रही हूँ छोले राइस मतलब छोले एंड चावल इन हिंदी लैंग्वेज। सॉरी बिकॉज वो मेरे हस्बैंड को काफ़ी अच्छे लगते हैं। सो उनको वीक में मतलब या तो राजमा या छोले ये खाने ही होते हैं। समटाइम्स ट्वाइस भी हो जाते हैं बट ज़्यादा भी कई बार ही अच्छे नहीं लगते हैं। सो अभी मैं जाऊँगी। तड़का मैंने प्रिपेयर कर दिया है। छोले मैंने बॉईल कर दिए हैं। सो बस मुझे अभी तड़के को छोले के अंदर डालना है एंड फिर थोड़ा बहुत बॉईल लगवाना है। एंड मुझे अभी चीकू के लिए क्योंकि हम लोग तो छोले एंड राइस खाएंगे छोले चावल पर मैं चीकू के लिए सोचू कि एक पराठा बना दूँ बिकॉज यार बच्चे का पेट नहीं भरता यार राइस और बच्चा खाता भी कितना है। सो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं उसके लिए एक पराठा बनाती हूँ नमक और अजवाइन वाला प्लेन पराठा। घी में बनाती हूँ वैसे मैं इसका पराठा बिकॉज मैं इसका पराठा फॉर्चून रिफाइंड ऑयल में बनाना ठीक नहीं समझती क्योंकि बच्चे की हेल्थ के लिए आई डोंट थिंक सो वो अच्छा होता है। बच्चे के लिए हमेशा पराठा बनाना घी में ही ठीक है। सो मैं अभी जाती हूँ किचन में एंड मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे बनाया छोले। बॉईल आप देख रहे होगे इसमें से स्टीम बाहर आ रही है बिकॉज जस्ट अभी मैंने बॉईल करे हैं एंड प्रेशर निकलने के बाद मैंने कुकर को ओपन किया है। एंड ये है तड़का। सो अभी मैं इसमें ये छोले डालूंगी एंड इसको फिर से एक बॉईल लगवाऊंगी।
मैंने इसमें राइस भी गो के रख। चलो मैम जो छोले हैं उनको मैं तड़के में डाल देती हूँ, तो काफ़ी लेट भी हो रहा है, अराउंड आई थिंक 1:30 हो चुका है। हमारा लंच नॉर्मली जो है बन जाता है, मतलब 2 बजे तक हम अपना लंच वगैरह पूरा हम फिनिश करके और फिर अपना जो जो जिसने काम करना होता है, लाइक मेरे इन लॉज रेस्ट करते हैं एंड मैं अपनी डॉटर के साथ थोड़ा प्ले कर लेती हूँ या समथिंग्स एडिटिंग वगैरह करनी होती है मुझे ब्लॉग्स की, तो मैं वो कर लेती हूँ। सो चलो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैंने डाल दिए हैं छोले तड़के के अंदर एंड अब इसमें अच्छे से बॉईल लगेगा अराउंड 2-3 times। देन गाइस छोले की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ही बन गई है, बिकॉज मुझे आइडिया ही नहीं लगा कल की मतलब इतने ज़्यादा कभी भी नहीं बनाए हैं मैंने, बट इस बार ही कुछ ज़्यादा ही क्वांटिटी हो गई है। बट कोई नहीं है, छोले वगैरह ऐसा है ना वो अच्छे भी लगते हैं एंड राइस के साथ छोले ज़्यादा खाए जाते हैं, तो कोई ना अगर बच जाएंगे तो रात को चपातीस के साथ खा लेंगे, कोई नहीं। ये वैसे भी यार बहुत रेयर बनती है चीज़ें, लाइक मंथ में 1 or 2, तो ये ज़्यादा क्वांटिटी में ही बनाना ठीक है, बिकॉज राइस के साथ ये लगते भी बहुत ज़्यादा हैं। चलो फिर मैं प्रिपेयर करती हूँ, देन मिलती हूँ मैं आपसे। ये देखो ज़रा, ये क्या हो रहा है? चिकू खाना इतना बड़ा हो गया है चिकू, है ना? ये देखो गाइस मेरा बच्चा अपने आप खाना खा रहा है, और ये जो सिर्फ ये खाना जो खा रही है ना अपने आप, ये सिर्फ कैमरे की वजह से खा रही है, अदरवाइज इसको मैं ही खिलाती हूँ। आजकल के बच्चे इतने जो है ना शातिर हो चुके हैं ना, दे आर वेरी क्लेवर। सी कैसे हैं छोले? अच्छे। एंड पराठा कैसा है? अच्छी। ये हमारा लंच बनकर रेडी है, ये हैं छोले, ये है बूंदी का रायता एंड ये है राइस। चलो गाइस मैं भी लंच कर लेती हूँ, देन मिलती हूँ आपसे लंच करने के बाद। बाय बाय।
Where are we going? नानू पास. No, नानी नानी पास नहीं जा रहे हम जा रहे हैं जय जय हाउस. जय जय हाउस. Yes. So guys, अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम एंड आज है ट्यूसडे एंड हम लोग ट्यूसडे को वैसे तो मेरे हस्बैंड ही जाते हैं नॉर्मली मंदिर जाते हैं क्योंकि उनको भोग लगाना होता है हनुमान जी का भोग लगवाना होता है तो फिर मुझे वेजिटेबल्स भी लेनी थी तो मैंने सोचा कि यार मैं भी साथ में चले जाती हूँ क्योंकि यहाँ पे पास में ही वेजिटेबल्स की मतलब अच्छी मार्केट लगती है तो वहाँ पे काफ़ी सारी वैरायटी की वेजिटेबल्स मिल जाती है सो अभी मैं वहीं आई हूँ वेजिटेबल्स लेने एंड साथ में चीकू भी है हम लोग मंदिर से भी आ चुके हैं एंड मैं सब्जी भी लेकर आ चुकी हूँ हमारा डिनर भी हो गया है एंड मैंने वेजिटेबल्स वॉश करके क्लीन करके ड्राई करके ऑर्गेनाइज भी कर दी हैं एंड बाकी मैंने किचन क्लीनिंग वगैरह जो डेली का रूटीन होता है वो भी कर दिया नाउ अब टाइम हो रहा है अराउंड 9:10 or 9:15 सो गाइज अब मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ बिकॉज अभी मुझे एक व्लॉग की एडिटिंग भी करनी है और भी थोड़े छोटे छोटे काम करना है एंड थोड़ा अपनी डॉटर के साथ प्ले करना है देन उसके बाद उसको सुलाना है सो चलो मिलती हूँ तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा तो इसे लाइक करना एंड शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना तब तक के लिए बाय बाय.